नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता आपको आज होम्योपैथी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सी दर्द की दवाएं आपने होम्योपैथी में पढ़ी होंगी, रस्टॉक्स है, ब्रायोनिया है, और भी हजारों दवाएं हैं होम्योपैथी में, जॉइंट पेन, स्टिफनेस, शोल्डर पेन, रिस्ट पेन, फिंगर पेन, रूमेटिज्म, गाउट की भी बहुत सी दवाएं आपने पढ़ी हैं, सुनी भी होंगी। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही, जिस पर बहुत से डॉक्टर ध्यान ही नहीं देते और ये बहुत ही अच्छी दवाई है, एब्रोटेनम। बहुत सी एकेडमिक बुक्स में, मटेरिया मेडिका में इसको फर्स्ट दवा के अल्फाबेटिकल में फर्स्ट दवा भी लेते हैं। बहुत सी एकेडमिक बुक्स में एबीस नाइग्रा और एबीस कैन को फर्स्ट और सेकंड मेडिसिन लिया गया है। साउदर्न बोर्ड इसको कहते हैं। यह कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करती है। साउदर्न बोर्ड इसका निकनेम है, कॉमन नेम जिसको कहते हैं साउदर्न बोर्ड। दूसरा, कंपोजिटिव फैमिली को ये बिलोंग करती है, कंपोजिटिव फैमिली को ये बिलोंग करती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण होता है चाइल्ड, दूसरा होता है स्टमक, और थर्ड जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है वो एक्सट्रीमिटीज है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड में इसका सबसे महत्वपूर्ण जो सिम्टम होता है वो होता है मरास्मस। चाइल्ड का मरास्मस, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको जानकारी होना चाहिए। चिल्ड्रंस में लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में मरास्मस शुरू होता है, दैट मीन्स कमजोरी। सबसे ज़्यादा जो वीकनेस है, जो लीन थिन हो जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट जहाँ होता है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में थिननेस शुरू होती है, पतलापन शुरू हो जाता है। लेकिन नेट्रम म्यूर में नेक में मरास्मस होता है, जो वीकनेस आती है वो नेक में आती है, इसलिए नेट्रम म्यूर को हमने अलग कर दिया है। नेट्रम म्यूर में एन फॉर नेट्रम म्यूर, नेट्रम म्यूर की नेक में मरास्मस होता है, जबकि एब्रोटेनम में लोअर एक्सट्रीमिटीज, उसके पैरों में मरास्मस होता है। मरास्मस दैट मीन्स वीकनेस, कमजोरी और थिन, उसके पतले हो जाते हैं पैर। दूसरा होता है इसका जो चाइल्ड में, इसका हेड जो है वीक हो जाता है, खुद का हेड खुद की गर्दन पर होल्ड नहीं हो पाता, इधर उधर पेंडुलम जैसा अप डाउन होता रहता है। थर्ड थिंग है चाइल्ड में ग्रेट वीकनेस, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है चाइल्ड में कि वह खड़ा भी नहीं हो पाता। फोर्थ थिंग है चाइल्ड के लिए सिम्टम जो है इल नेचर, यह बीमारी दिखता है, इरिटेबल, क्रॉस, इनह्यूमन एंड देन क्रूअल। इसकी एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक, बहुत ही विचित्र करेक्टरिस्टिक होता है, इसमें क्रूएल्टी होता है। जैसे एंट को देखता है जमीन पर या किसी थिंग पर, तो एंट को ये मारने का उसके पीछे पड़ जाता है। कोई भी चींटी देखी इसने या कोई छोटा सा कीड़ा देखा तो उसको मारना चाहता है, वो मारना इस हद तक चला जाता है वो जब तक वो मर नहीं जाती तब तक उसको मारता रहता है, दैट इज क्रूएल्टी। इसका नेचर क्रूअल भी हो जाता है। रिमिनस हंगर इसमें एक बहुत अच्छी इसके चाइल्ड में है कि खूब खाता है, खूब खाता पीता है, लेकिन फिर भी फ्लैश इसका जो मांस है इसके बॉडी पर नहीं चढ़ता। इसके एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, वो एकदम दुबले पतले रहते हैं, खड़ा भी नहीं हो पाता। सेकेंड थिंग पढ़ते हैं आप इसमें स्टमक, स्टमक में वही चीज़ रिपीट होती है कि इसकी एपेटाइट बहुत अच्छी होती है, इसकी एपेटाइट बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसकी एक्सट्रीमिटीज जो है फिर भी बहुत ही वीक रहती है। दूसरा, स्टमक का एक सिम्टम और है इसमें कि इसको ऐसा लगता है कि इसका स्टमक जो है वाटर में तैर रहा है,
स्टमक दैट फील स्विमिंग इन वाटर, इसका स्टमक में उस ऐसा फील होता है इसके माइंड में कि इसका जो स्टमक है वो वाटर में तैर रहा, इसके पेट में ऐसा फील होता है इसको इसका स्टमक वाटर में तैर रहा। इसके एक्सट्रीमिटीज में आप पढ़ेंगे कि पेन इन द शोल्डर रिस्ट फिंगर एंड ऑल ज्वाइंट अफेक्टेड इन दिस मेडिसिन, मोस्टली लोअर एक्सट्रीमिटीज मरास्मस एंड पेन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मेडिसिन। ज्वाइंट में स्वेलिंग रहती है, स्टिफनेस रहती है, पेन रहता है, एक्सट्रीम पेन। तो आप क्या सीखे, द निकनेम ऑफ दिस मेडिसिन इज साउदर्न गुड, इट बिलोंग्स टू कंपोजिटी फैमिली एंड एब्रोटिनम, दिस इज वेरी गुड मेडिसिन इन होम्योपैथिक मटीरिया मेड का। एब्रोटिनम में जो सिम्टम पढ़ते हैं सबसे पहले अपन चाइल्ड को पढ़ते हैं इसके, फिर स्टमक को पढ़ेंगे, देन फिर एक्सट्रीमिटीज लेंगे। चाइल्ड में सबसे मेन होता है मरास्मस, लोअर एक्सट्रीमिटीज में दुबले पतले हो जाते हैं एकदम लकड़ी जैसे हो जाते हैं। चिल्ड्रंस में लोअर एक्सट्रीमिटीज में मरास्मस देखा जाता है, हेड वीक इतना वीक होता है कि वो अपना ही सर अपने गर्दन पर सहन नहीं कर पाता, हिलता डुलता रहता है। ग्रेट वीकनेस अनेबल टू स्टैंड, इतनी वीकनेस कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। इल नेचर्ड इरिटेबल क्रॉस एंड इनह्यूमन, फाइनली क्रुएल्टी, क्रुएल्टी इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मेडिसिन। रिवीनस हंगर, खूब खाता है बट उसकी बॉडी पर फ्लैश नहीं चलता, ईटिंग वेल बट लॉसिंग फ्लैश, उसका लॉस हो जाता। स्टमक ऐसा फील होता है कि जैसे स्टमक इसका वाटर में स्विमिंग कर रहा है, ग्रेट एपेटाइट बट मरास्मस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज में आप देखते हैं पेन ऑल ज्वाइंट बट शोल्डर पेन, रिस्ट पेन, फिंगर पेन एंड ज्वाइंट ऑल अफेक्टेड इन दिस मेडिसिन, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज मोस्टली अफेक्टेड। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक का बटन दबाते हैं, कमेंट करें, जो मेडिसिन आपको पढ़ना हो वो आप हमको कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।